का ख्याल रखते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, गाना भी गाते हैं बहुत अच्छे से, बॉलीवुड में एक्टर भी रहे हैं और अब सुर्खी की सेवा भी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आकाश भैया आप आए और अपनी परिकल्पना हम सब लोगों के बीच में रखने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की। हमारे आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे समस्त प्यारे बच्चे जो इतनी देर से बातों को सुन रहे हैं, कुछ लोग पीछे हंस रहे हैं, आधे सो रहे हैं, कोई छिपकली ढूंढ रहे हैं, कोई आसमान की तरफ सूरज को निहार रहे हैं, कोई समय की घड़ी देख रहे हैं कि 3 बज गए और कब तक बैठना है। अब कुछ ही पल रह गया है, कुछ समय और, चंद बातें मैं आपसे करूंगा क्योंकि आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम है और आज इस विशेष कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी परिवारजन, मंच पे आसीन हमारे डीओ साहब अरविंद सिंह जी, अरविंद जैन जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे जनपद नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे सरवन दादा का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे ओमकार भैया जी, हमारे चाचा संकुलन अध्यक्ष नर्मदा दादा जी का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। मंडल अध्यक्ष जगदीश भैया जी, सीएमओ साहब बघेल जी, हमारे बड़े भाई साहब, बड़े चाचा कमलेश पांडे जी, युवा मंडल अध्यक्ष संदीप सिंह ठाकुर जी, अल्पसंख्यक मोर्चा से असलम खान जी, पत्रकार और विशेष रूप में उपस्थित हमारे किशोर भार्गव जी, पत्रकार समिति से वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश गौतम जी, हमारे आपके प्रचार रमाकांत मिश्रा जी, भैया लाल दादा जी, अतुल भार्गव जी, राजू ठाकुर विद्वास जी, समस्त शिक्षक जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पप्पू गौतम जी, हमारे भाई सत्येंद्र जी, श्रीकांत भैया जी, शैलेंद्र जी और हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अंजना भाभी जी, हमारी कल्पना गुरु जी और समस्त हमारा सत्येंद्र भाई, हमारे पीछे हमारे पठा से अरविंद जी और सभी हमारे भाई और शिक्षक अध्यापक और उनके माता पिता जो आज उपस्थित हैं, अनिरुद्ध बीआरसी भैया जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत, माफ करिएगा, और हमारे मंच के संचालक जो आपके बीच यहाँ पर जब से जबरदस्त उद्बोधन कर रहे थे हमारे पवन दुबे जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। प्यारे बच्चे जिन्होंने आज इतना सुंदर गीत यहाँ पे प्रस्तुत किया उनकी सभी मंडली को भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे भाई अतुल भार्गव, अवध भैया, मनोज भैया और हमारे समस्त भाईजन जो आज इस कार्यक्रम में आपके बीच इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपको इस बात का तो ज्ञात हो गया है कि आज का कार्यक्रम किस लिए था, लेकिन सुर्खी को निरंतर अग्रसर और आगे बढ़ाने के लिए आपको भी डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटल भारत की ओर, स्किल इंडिया की तरफ हर तरफ से आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि हमारा सुर्खी का अध्यापन किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और इसी उड़ान के लिए, इसी को अग्रसर और विकसित भारत की जोड़ने के लिए आज का कार्यक्रम आपको आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए था और आधुनिक शिक्षा के लिए आपके लिए जरूरी था एक स्मार्ट भारत, एक स्मार्ट शिक्षा और इसी स्मार्ट
सुर्खी को स्मार्ट भारत की ओर अग्रसर के लिए जरूरी था कि आपके लिए भी एक आधुनिक शिक्षा के लिए एक स्मार्ट क्लास का आयोजन और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाए, और उसी लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और उस पंडाल में एकत्रित हुए हैं। आप देखिए, पिछली बार मैं इस कार्यक्रम में आया था जब यहां कौन कौन उपस्थित था, जब कार्यक्रम वहां पे हुआ था, आप हाथ उठाइए। आप लोगों ने मुझे बोला था कि भैया हम लोग के यहां शेड लगवा लीजिए, बोला था कि नहीं बोला था बताइए, कि आप एक पंडाल एक शेड लगवाइए हम लोग के यहां टीन शेड। आज वही टीन शेड के अंदर हम सब लोग बैठे हैं, बताइए बहनों है कि नहीं। और अब आने वाले समय में ये मेरा तीसरा आगमन है आपके यहां पर स्कूल में। पहली बार जब मैं यहां पर आया था 3 साल पहले आया था, तब मैंने यहां, हमारे प्राचार्य जी होंगे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। ये सारे वृक्ष जो आपके दाएं बाएं लगे हुए हैं, ये वृक्ष हम सब ने मिलकर लगाए थे। उसके बाद जो कार्यक्रम था वो उस समय मौसम खराब था और बारिश हो रही थी, कुछ शिक्षकों ने कुछ अध्यापकों ने ऐसा निवेदन किया, ऐसा अनुरोध किया कि एक टीन शेड हमारे स्कूल के लिए हो जाए। तो आज उसी टीन की छत्र छाया के नीचे हम सब इस कार्यक्रम को आज यहां सफल बना रहे हैं, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। अब हमारे आने वाले भारत का युवा और आने वाले हमारे सुर्खी के प्यारे बच्चे, आप सब लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मैं आकाश सिंह राजपूत हूं। आप लोगों ने सुना होगा, अभी आपको अतुल भैया ने भी बताया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने फिर एक टी सीरीज में गाना भी किया, इंस्टा रील आप लोगों ने पिछली बार सुना था, अभी 3-4 महीने पहले मैंने बागेश्वर धाम पे भी एक गाना बनाया था। आप लोगों ने वो गाना सुना है कि नहीं सुना? हाथ खड़ा करो किस किस ने सुना है। चलो तो एक काम करिएगा, जब मैं यहां से जाऊं तो हमारा कौन है डिजिटल वाला, अभी ये गाना इसके बाद प्ले करिएगा। आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब किस किस को चलाना आता है जरा बताओ, क्या बात है, ये हमारा डिजिटल भारत, बहुत बढ़िया। YouTube सबको आता है, उस पर आपको लिखना है बागेश्वर धाम का गाना आकाश सिंह राजपूत। और आज घर पे मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप अपने माता पिता को भी सुनाएं, आप भी सुने। मैंने ये बागेश्वर धाम वहीं पे जो अपना धाम है गड़ा में, वहीं ये गाना गाया था और बहुत 8 लाख लोग थे वहां पे, 8 लाख लोगों के सामने ये गाने की प्रस्तुति दी थी। आज मैं क्योंकि गाना गाने नहीं आया हूं, आज मैं आप लोगों को भारत, अग्रसर भारत, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए आया हूं। और एक अच्छा प्रयास है, एक कोशिश है कि आप लोगों को भी, जिस तरीके से आप सब लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हर बच्चा टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो एक प्रयास है कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल का भी बच्चा हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आगे बढ़े। क्योंकि आज आप सब में से कोई बच्चा यहां बैठा है जो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हमारी बहन बैठी है जो आईपीएस बनना चाहती है, कोई हमारा यहां भाई बैठा है जो आगे बढ़ के पुलिस में जाना चाहता होगा, कोई हमारा ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता होगा। ऐसे ही एक कोशिश, एक प्रयास है कि आप सब लोगों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, उसी के लिए आज यहां पे हमने अनुरोध किया था डीओ साहब से कि वो यहां पर आए। और आज ये जो स्मार्ट एलईडी लगी है, ये बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं लगी थी। मैं सिंधिया स्कूल में पढ़ा हूं, जिस समय अभी बता रहे थे आपको डीओ साहब और नर्मदा दादा बता रहे थे कि हमारे समय में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से, निरंतर पढ़ाई से, अपनी लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जीवन में जो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप समृद्ध भारत,
अपनी सामाजिक स्तर पर विकास लोगों का निरंतर करते रहेंगे तभी हमारा देश समृद्ध हो पाएगा। और सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर सारा ज्ञान है। हमारे बच्चे जितने भी यहां बैठे हुए हैं वो सब कुछ अच्छे से जानते हैं। आज के डिजिटल भारत में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। सबके पास उतना ज्ञान है, सब इतनी शिक्षा लेकर रखे हैं, बस उसको सही दिशा में जोड़ना और सही तरीके से उसको विकसित करके उसकी आवश्यकता कितनी है, किस दिशा में उसे आगे बढ़ना है, उसको अपने कदमों पर, उसको अपने पैरों पर खड़ा करता है हमारा यहां का शिक्षक। और उसी दिशा में मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि आज यहां पर आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स की कमी थी। बताओ बच्चों, कमी थी कि नहीं थी? अब कुछ नए टीचर्स आपसे जुड़ चुके हैं, करीबन 8 टीचर आए हैं यहां पे कि 6 टीचर आए प्राचार्य जी? 4 नए टीचर आपकी स्कूल को दे दिए गए हैं और ये 28 तारीख को ज्वाइन हुए हैं। कौन टीचर्स हैं जरा एक बार खड़े हो जाएं? 3 और 4। अब देखो, आपके मंत्री जी को पता चला कि यहां पे बच्चों की स्ट्रेंथ 900 है और टीचर्स कम पड़ रहे हैं, तो आपको दिवाली पे सबसे बड़ा गिफ्ट है ये आज के शिक्षक जो 4 नए टीचर्स आपके स्कूल में आए। तो सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत इस कृषि स्कूल में। और आने वाले भविष्य में यही सीएम राइस स्कूल होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 9 से 12 तक हमारे जितने बच्चे हैं उनके सपनों को साकार करना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके भविष्य की उड़ान में एक ऐसी उड़ान उन्हें प्राप्त करवाना कि वो आने वाले भविष्य में सुर्खी का ही भविष्य नहीं पूरे मध्य प्रदेश का भविष्य लिखें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। प्लीज आप लोग बैठ जाए। आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आने वाले भविष्य में आपको पता होगा कि यही स्कूल जो हमारा कृषि स्कूल के नाम से जाना जाता है, अब अगले साल आपके लिए सीएम राइस का भी काम इसी स्कूल को बना दिया जाएगा। एक विकसित बिल्डिंग, एक बहुत ही सुंदर और भव्य बिल्डिंग यहां पे बनेगी। मैं अनुरोध करता हूं हमारे सरमन दादा से, हमारे डीओ साहब से, हमारे प्राचार्य जी से कि एक अच्छा सा स्थान आप सब लोग देखें, क्योंकि अगले 2 साल के अंदर 2026 में हम एक सुंदर सी बहुत प्यारी बिल्डिंग में बैठे होंगे जो मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम अनुरोध करेंगे कि मोहन यादव जी आए और मुख्यमंत्री सीएम राइस का उद्घाटन करें। मेरी एक कोशिश है कि जिस तरीके से जो शिक्षा का माध्यम मेरे पिता ने मुझे दिखाया, मुझे सिखाया और आज दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, हर जगह से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर मैं सुर्खी के हमारे आने वाले भविष्य के अध्यापकों को एक विकसित निर्माण और विकसित भारत की ओर अगर नहीं मैं उसको दिखा पाया दृश्य, तो मैं इस कोशिश में असफल हो जाऊंगा। और यही मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग भी एक दिशा में अगर सफल होना चाहते हैं तो मैं बच्चों से अनुरोध करता हूं कि अपने भविष्य की ओर निरंतर मेहनत करें। अभी आपके पास समय है पढ़ने का, इस पढ़ाई का भी पूर्ण तरीके से लाभ लें। आपको आने वाले समय में जब पता चलेगा कि 12वीं के बाद असली रेश चालू होती है, असली पढ़ाई चालू होती है, उस समय हमारा अध्यापक तय कर रहा होता है कि हमें पढ़ाई करना क्या है, हमें बनना क्या है। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, अपने सपनों को देखना आज से ही चालू कर दीजिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने भी सपने में सोच लिया था बचपन में जब मैं मोटा था, और उस समय तो मैं 100 किलो का था। छोटा सा 6 किलो का लड्डू जैसा आदमी सोच सकता है कि उसे हीरो बनना है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे आईपीएस कलेक्टर या मंत्री बनना है तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सपनों को साकार करने वाले केवल आप हैं।
आपको उस दिशा में बहना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी माँ गंगा निकलती है गंगोत्री से और एक दिशा में निरंतर बहकर सबकी प्यास बुझाती है, सबके पाप धो देती है, उसी तरीके से आपको भी सपना इतना उज्ज्वल रखना पड़ेगा कि आने वाला कोई भी मटमैला आदमी आपके विचारों को मैला ना कर सके। ऐसी सोच आपको अभी से जागृत करनी है। और चंद पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हो गई पीर परवस्ती अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ कोशिश करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। अब हम सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे बच्चे, मैं प्राचार्य लोगों से और शिक्षकों से अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि सब बच्चे नाश्ता करके जाएं। आप सब लोगों के लिए नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। और कल से मैं प्राचार्य जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि ऐसा हर क्लास, चाहे नर्सरी का बच्चा हो चाहे ट्वेल्थ का बच्चा हो, नाइन्थ क्लास से शुरू है, हर एक पीरियड में सबकी एक एक स्मार्ट क्लास से सबको बताया जाए, सबको सिखाया जाए, ऐसे टीचर नियुक्त किए जाए जिनकी बाकायदा क्लासेस सब बच्चों को एक प्रयास मिले, सब बच्चों को सीखने का मौका मिले। और आप बच्चे इतने आगे हैं कि आप सब लोग टीचर्स को सिखा सकते हैं कि स्मार्ट एलईडी कैसे वर्क करती है। तो आप लोग जो भी अगर यूट्यूब से ज्यादा शिक्षा ज्ञान कर ले, स्मार्ट एलईडी के बारे में अगर ज्यादा सीख ले, तो आप भी क्लास में अपना योगदान भरपूर दे सकते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत।